अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो जी, आज की वीडियो मैंने स्टार्ट की है बाहर से। हम लोग बच्चों को लेके कहीं घुमाने निकले थे, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ रोड क्लिप भी शेयर करती हूँ। वो देखें, रोड पे सामने कुछ लाइटें ब्लिंक हो रही हैं। तो जी, यहाँ से कोई वज़ीर गुजर रहा है शायद, और एक गाड़ी उसके आगे और एक पीछे, बस ये उसकी सिक्योरिटी है। और सब लोग अपनी ट्रैफिक अपने हिसाब से चल रही है, कोई किसी को परेशान नहीं करा। अगर पाकिस्तान में होते तो यहाँ पे तो रोड ब्लॉक होनी थी। यहाँ पे जी ऐसे ही होता है, दूसरों की टाइमिंग का ख्याल किया जाता है। शाम का टाइम था, रोड काफ़ी बिजी थी, असर के बाद निकले थे और सनसेट भी हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप सनसेट होते हुए लिया है। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, देखिएगा सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए सन कितना प्यारा लग रहा है। नेचर का हर व्यू ही बहुत अच्छा लगता है, सुबह हो या शाम हो, अल्लाह ताला की कुदरत है। चलिए जी, मैं बताती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे थे। जी, हम लोग बच्चों को लेके माउंटी कसिनो जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत फेमस प्लेस है फोरवेज में। तो जी, मेरे बच्चे यहाँ आके बहुत हैप्पी रहते हैं। यहाँ बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटी है, बच्चे इंजॉय भी कर लेते हैं, फूड कोर्ट भी अच्छा बना हुआ है, आप खाना भी खा सकते हैं। तो हम लोग अक्सर वीकेंड्स पे यहीं पे आते हैं। आजकल तो वैसे भी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो सर्दी खैर काफ़ी थी बाहर, लेकिन क्या करें, बच्चों को लेके जाना पड़ता है। जी ये देखिए आप इसकी बाहर की बिल्डिंग, यहाँ से ये एंट्रेंस स्टार्ट हो जाती है। और बहुत अच्छा प्लेस है, घूमने फिरने के लिए भी अच्छा है। बाहर से आप किसी विजिटर के साथ भी आएँ तो भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे अंदर बहुत अच्छा इन्होंने इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, कुछ जगह पे क्लाउडी बनाया हुआ है, कुछ जगह पे रात का व्यू दिया हुआ है, मतलब आर्टिफिशियल सारी चीज़ें अरेंज की हैं। अगर आप रूफ़ की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि डे टाइम है, अगर आप नेक्स्ट पैसेज पर जाएँगे तो वहाँ पर रात का व्यू नज़र आएगा। इस टाइप की कुछ अरेंजमेंट की हुई है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है माशाल्लाह। उसके बाद जी मैं यहाँ पे आ गई थोड़ा सा बच्चों के क्लॉथ देखने के लिए, शॉप में, किड्स शॉप पे। यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े थे, मैं चेक कर रही थी अभी, बस लेना तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ी सी वीडियो। कपड़े बहुत अच्छे पड़े हुए थे, ये सब कपड़े जो ये वाले हैं ये सारी साइड स्पेशल पर लगी हुई थी। और ये मुझे पिंक फ्रॉक बहुत अच्छा लगा था, और यहाँ पर एक ब्लू कलर का अपर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था अपने बेटे के लिए, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा आज तो घूमने फिरने आए हैं, अभी शॉपिंग नहीं, ईद की शॉपिंग करूँगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी ये देखिए ज्वेलरी, ज्वेलरी भी बहुत अच्छी थी। ये ब्लू वाला सेट और ये वाइट दोनों ही मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने बाय नहीं किया। मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, आप भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जब आप लोग भी शॉपिंग में जाते हैं कि हर चीज़ लेने को दिल करता है कि नहीं। जी ये देखिए बाहर का व्यू इस तरह से, वो देखिए ऊपर आर्टिफिशियल क्लाउड्स बने हुए, ये रियल नहीं है। सब कुछ इतना अच्छा इन लोगों ने अरेंज किया हुआ है। ये देखिए काफ़ी रश था, वीकेंड्स पे काफ़ी बिजी होता है और रात के तक खुला रहता है। यहाँ पर लोग गैम्बलिंग भी करते हैं, एक साइड पे पूरा एरिया है जो गैम्बलिंग के लिए है। तो आपको लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। जी इसके बाद हम लोग आ गए थे बच्चों को लेके प्ले एरिया में। यहाँ पे किड्स के लिए एक अलग से प्ले एरिया बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे किड्स जब प्ले करते हैं तो हर प्ले गेम के अंदर ये टिकट्स देते हैं, और उन्हीं टिकट्स के साथ आप बैक रिटर्न, आपको कोई प्रेजेंट, स्मॉल स्मॉल बच्चों के गिफ्ट्स रखे हुए इन लोगों ने, आपको वो दे देते हैं। जितनी टिकट्स होंगी उस हिसाब से आपको गिफ्ट मिल जाएगा। आगे मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। जी इन गेम्स के ऊपर यहाँ पर आप टीनेजर भी खेल सकते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं, टीनेजर्स बड़े भी आ जाते हैं, और इस तरह बच्चे भी प्ले करते हैं और उनके पेरेंट्स भी कर सकते हैं।
तो जी ये बॉलिंग के लिए है, यहाँ पे आप टोकन डालते हैं तो इससे बॉल्स मिलती हैं और आप उसके अंदर पुट करते हैं। ये वाली गेम भी बहुत मज़े की है, हम लोगों ने खरी ये काफ़ी ज़्यादा खेली। और ये देखिए सब लोग अपने अपने बच्चों के साथ बिजी हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, साथ में बच्चों के इंजॉय हो रहा है। ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है गेम्स की, जितना अच्छा एक्सपर्ट तरीके से आप खेलेंगे आप उतने ही अपनी टिकट अर्न करते हैं, मतलब वो टिकट आपको उसी हिसाब से मिलती है, उसके बाद आप उसी को दे के उसके रिटर्न में आपको कोई अच्छा सा प्रेजेंट, कोई बियर, कोई टॉयज स्मॉल फॉर किड्स। अच्छा एक तरह से ये भी बच्चों की गेमिंग है। ये देखें ये टिकट्स हैं, आप जितना इसको खेलेंगे उतना ये बाहर स्पीड से आती जाएंगी। जी यहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी, उन्होंने समटाइम हम लोग ये गेम लें तो हम तो खैर हमारा एम्प्टी ही चला जाता है, लेकिन इन लोगों के माशाल्लाह से 3 टॉयज इकट्ठे ही आ गए, बहुत लकी थे ये लोग, तो मैंने उनका भी क्लिप थोड़ा सा ऐड कर दिया। ये देखें और बहुत हैप्पी हो रहे हैं। कभी कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता और कुछ को अल्लाह ताला जिसको नवाजे। जी ये देखिए इस बेचारे का तो खाली ही गया, उसके टोकन ही वेस्ट हुए, उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। ये देखिए ये मशीन है, एक टाइमिंग होती है उसके अंदर आपने इसको पिक करना होता है, अगर आप नहीं करें तो आप लूज हो जाते हैं। ये देखिए कितनी वैरायटी है यहाँ पे बच्चों के लिए, और बच्चे भी आके यहाँ पे बोर नहीं होते, पेरेंट्स भी मिलजुल के टाइम पास हो जाता है। अच्छा बाहर के मुल्कों में फैमिलीज नहीं होती, लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं इधर तो फिर आप लकी हैं, अदरवाइज़ अगर आप अकेले ही रह रहे हैं कहीं बाहर के मुल्क में तो फिर आप समझो अकेले ही हैं, तो बच्चों को लेके यूँ एक्टिविटी में निकलना ही पड़ता है फिर। ये देखिए मेरा बेटा प्ले कर रहा है, अच्छा खेलने के साथ साथ बच्चों को क्रेज़ होता है कि हमारी टिकट्स कितनी हो गई हैं, क्योंकि उनको एक और लालच होता है ना कि इसके बाद भी उनको कुछ रिटर्न में मिलना है, तो बच्चे इस शौक से भी खेलते हैं। ये देखें ये हैं काउंटर्स बने हुए यहाँ पे, आप अपनी टिकट्स लेके अपना टोकन काउंट करके आएंगे तो जितने टोकन होंगे, जितना 100 है, 200 है, 300 है, उस हिसाब से ये सब ट्वाइस पड़े हुए वो आप विन कर लेंगे। बहुत मज़ा आता है यहाँ पर आके, एक तरह से आपकी मनी दोबारा सर्कल में घूम फिर के फिर आपके पास ही वापस आ रही होती है। जी बच्चों को यहाँ खेलने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे दोबारा से, थोड़ा सा और मॉल में घूमा और फिर हम लोग फूड कोर्ट में जाएंगे खाना खाने के लिए। जी ये यहाँ का फूड कोर्ट है, यहाँ पे सारे तरह के ब्रांड्स खाने के मिल जाते हैं, काफ़ी फेमस ब्रांड्स हैं, नैंडोज़ है, अनाथ है और KFC है, मैकडोनल्ड्स है, हर चीज़ जो भी आपके बच्चे लाइक करें आप, हर तरह का ब्रांड मतलब अच्छा है, फूड कोर्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। तो जी ये मैं अपने लिए शवारमा लेने के लिए आ गई थी, मेरा ये फेवरेट शवारमा है अनाथ वालों का, यहाँ पे वेजिस की बहुत वैरायटी होती है, आपको शवारमे के साथ चिकन के साथ बीफ मटन जो भी आपने लेना हो उसके साथ आप अपनी पसंद से जितनी वेजेस डलवानी चाहें, जितना सॉस अपनी मर्ज़ी से डालना चाहें तो वो आपकी पसंद के मुताबिक बना के देते हैं, ये नहीं है कि स्पेसिफिक है ये नहीं ले सकते वो नहीं ले सकते, बहुत मज़े का शवारमा होता है। जी मैंने अपने लिए शवारमा लिया था और मेरे बच्चों ने फ़िश ली थी, इन लोगों को फ़िश एंड चिप्स खाने का दिल कर रहा था तो इनके लिए फ़िश एंड चिप्स बाय की, यहाँ की काफ़ी फेमस है फ़िश एंड चिप्स, बहुत मज़े की बनी होती है, बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी है, लाइट सी। ये देखिए जी ये फ़िश अवे से हमने बाय की थी, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी खाना खाने के बाद हम लोग वापसी के लिए निकल चुके थे, ये अभी मॉल के अंदर का ही व्यू है, ये देखिए ये एंटीक किस्म की गाड़ी खड़ी की हुई है डेकोरेशन के लिए, और काफ़ी कुछ है इसके अंदर, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, फूड कोर्ट भी है, खाना वगैरह भी खा सकते हैं,
काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं स्पेशल किस्म के चाइनीज और अदर। और ये देखिए ये गैम्बलिंग साइड है बड़ों के लिए, काफ़ी लोग यहाँ पे आके गैम्बलिंग करते हैं, तो मुझे वहाँ से सिक्योरिटी वाले ने वीडियो नहीं बनाने दी, तो मुझे सॉरी बोला कि प्लीज़ नो। तो उसके बाद जी हम लोग रूफ़ पे आ गए थे, मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप आपके लिए रूफ़ पे जाके लेती हूँ, वहाँ से शायद थोड़ा सा व्यू नज़र आ जाए। ये देखें कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई है, उस साइड पे काफ़ी ज़्यादा बिजी था क्योंकि बहुत सारे लोग वीकेंड्स पे यहाँ पे आते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये देखें चलिए जी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लाइटिंग हुई हुई है। तो जी हम लोग जा रहे हैं घर, और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।